हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पपीता शेक, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पपीता शेक बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक पपीता लिया है जिसका कि वेट लगभग 300 ग्राम के आसपास है। ये हमारे अपने घर का पपीता है। इसके लिए सामग्री लेंगे 6 से 7 टुकड़ा बर्फ़ का और 50 ग्राम के आसपास चीनी, और ये पपीता हमने छील के उसको बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे हम जूसर जार में डालेंगे। पपीता डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हमने बर्फ का टुकड़ा डाला है और इन सब को हम अच्छे से मैश करेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है फ्रेंड्स। वैसे भी पपीता बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। इसे शेक बना के पिएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसमें आप चाहे तो इलायची का चूर्ण भी डाल सकते हैं। तो हमारा झटपट तैयार हो गया बनके पपीता शेक। अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। आप इसका कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। चाहे तो गाढ़ी रख सकते हैं, चाहे और पतली। उसके लिए थोड़ी सी पानी हम ऐड कर देंगे या बर्फ का टुकड़ा। पपीता शेक तैयार हो गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।